हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इन वन सॉल्यूशन इन हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त नीरज आर्य। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पशुओं के रोग के विषय में जिसका नाम है डिसेंट्री। दोस्तों, डिसेंट्री में क्या देखा जाता है आमतौर पर, जो है रक्तामाशय रोग है डिसेंट्री। यह एक बड़ा ही भयानक रोग है। यह रोग आंतों की झिल्ली के रोग में उत्पन्न होता है। इसके नाम पेचिस, मरोड़, लड्डू के दस्त, और इसे गुजरात में इस रोग को मरी कहा जाता है। दोस्तों, अब इसके लक्षण, इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे पहचान करेंगे कि पशु को ये रोग हुआ है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करें जिससे हमारी वीडियो मिलेंगी सबसे पहले सबसे जल्दी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। दोस्तों, पशु में जो है सिम्टम्स जो दिखाई देते हैं, ये लक्षण कहते हैं, रोग होते ही पेट में दर्द पहले ही मालूम होने लगता है। ऐसे दस्त में अत्यंत दुर्गंध होती है, सड़ांध होती है उसके पतले दस्त में पशु के। इस दस्त में आँव, खून और पीव पस मिला होता है। पेट में दर्द बार बार, कांखना, मुंह में छाले, आंख और चर्म खाल का पीला पड़ जाना अत्यंत मुख्य लक्षण है। जब यह रोग घर कर लेता है तो खून का दौरा रुक जाता है, आंखों से पानी गिरना शुरू हो जाता है, पशु का चारा दाना त्याग कर जुगाली करना बंद कर देता है, रोम खड़े हो जाते हैं, और कंप और लार टपकने के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अनजीन के साथ साथ बुखार तथा बकरी की लेंडी के समान मल त्याग करने करना भी इस रोग का मुख्य चिन्ह माना गया है। दोस्तों, इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे? नुस्खा नंबर एक से सुनिए। 1 पाव आंवला रात को मिट्टी के बर्तन में भिगोकर प्रातःकाल छानकर उसके पानी में 1 पाव दही, छटाक, इसबगोल की भुस्सी, आधा पाव शक्कर डालकर दिन में 2 बार रोगी पशु को पिलावें। यदि आंवला का पानी न मिले तो धनिया के पानी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मूला नंबर दो, कत्था 1 चटांक, सौंठ आधी चटांक, अफीम 2 आने भर, खड़िया मिट्टी 1 चटांक, देसी शराब 1 चटांक, इन औषधियों को आधा शेर अलसी, तीस अलसी या तीसी कहते हैं इसे, तीसी के मांड में मिलाकर दिन में 2 बार पिलाने से रोग दूर हो जाता है। नुस्खा नंबर 3, तीसी के 1 पाव तेल में 1 आना अफीम मिलाकर भात के मांड के साथ 2 बार खिलाने से आमाशय रोग शांत हो जाता है। उसका नंबर 4, धतूर के बीज का चूर्ण 6 आना भर, कपूर 12 आना भर, देसी शराब आध पाव, शराब में कपूर डुबोकर इस धतूरे के चूर्ण को मिलाकर भात के मांड खिलावें तो रोग अवश्य दूर हो जाता है। नुस्खा नंबर 5, सफेदा 6 आना भर, चाक मिट्टी का चूर्ण आधी छटांग, अफीम 12 आना भर, सबको एक साथ मिलाकर भात के मांड के साथ दिन में 2 बार खिलाने से यह रोग दूर हो जाता है। नुस्खा नंबर 6, भात का मांड 1 शेर, अफीम 12 आना भर, ये दोनों चीज अच्छी तरह मिलाकर मल द्वार में पिचकारी देने से बहुत लाभ होता है। नुस्खा नंबर 7, ग्लिसरीन बोरिक एसिड का चूर्ण गर्म पानी में मिलाकर मल द्वार में पिचकारी देने से आंतों का दूषित मल बाहर निकल जाता है तथा घावों को सुखा देता है। नुस्खा नंबर 8, गर्म पानी में कंबल भिगोकर पेट पर सेक करने से आमाशय दर्द नष्ट हो जाता है। नुस्खा नंबर 9, आमड़ा, आम, जामुन और आंवले के कच्चे पत्ते छेद कर उसका गुड़, रस, गुड़ी गुड़ या बकरी के दूध में साथ खिलाने से जो है यह रोग सही हो जाता है। यह रामबाण औषधि है बिल्कुल। और नुस्खा नंबर 10, चौलाई के शाख की जड़ 8 तोला गुड़ के साथ पीसकर
खूनी आँव अच्छा हो जाता है। उसका नंबर 11, कबाब चीनी 1 तोला, सोरे का चूर्ण 1 तोला, चंदन का तेल आधा तोला, ये सब ठंडे भात के मांड के साथ दिन में 2 बार देने से रोग आराम पहुंचता है। उसका नंबर 12, सतमूली का काढ़ा, तीसी का काढ़ा, गिलोय का काढ़ा अथवा मेहंदी का काढ़ा, ये सब थोड़े थोड़े परिमाण से सेवन कराया जाए तो निश्चय ही लाभ पहुँचता है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि पशु को खाने के लिए क्या देना है। जब तक पशु गोबर ना करे, जब तक भात के मांड में नमक मिलाकर, तीसी पकाकर, उड़द पकाकर, बेल पकाकर आधा हिस्सा मांड के साथ देते रहने से रोगी ठीक हो जाता है। जब तक पशु आरोग्य न हो जाए, जब तक हल्की हरी दूब तथा बांस के पत्ते देना लाभकारी होता है। दोस्तों, इसकी सावधानी के बारे में सुन लीजिए। इसकी सावधानी है, पशु को नंगा नहीं रखना है, हानिकर है ये। उसे जो है गर्म कपड़े से ढक कर रखना चाहिए। हमेशा इस बात पर ध्यान रहे कि रोगी पशु ठंड न लग पाए। चारों तरफ से पल से ढक कर उसके कमरों को जो है रोगशाला में फिनाइल अथवा गर्म जल से धोते रहिए। उसके फर्श को वास स्थान पर साफ सुथरा रखना हर हालत में अच्छा होता है। निरोग पशु को रोगी से अलग रखना चाहिए और शोले में गंधक की धुनी देते रहिए और चूना और राख छिड़कते रहना चाहिए। पशुशाला की मिट्टी खोदकर दूसरी सूखी मिट्टी से भर देना चाहिए, जिससे कीटाणु जो है खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार आप अपने पशु की जो है चिकित्सा कर सकते हैं। ये थी आपकी डिसेंट्री, खूनी दस्त की पेचिश के बारे में। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारी वीडियो मिलेंगी सबसे पहले ही आपको सबसे जल्दी। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।